हेलो एवरीवन, मेरा जब कुमार पारिक फ्रॉम हॉलीडे प्लान एक बार फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो दो कंट्री के ऊपर होने वाली है कि अभी जो वीज़ाज वगैरह अभी जो इशू हो रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर और कौन सी कंट्री से जो सक्सेस रेशियो है वो ज़्यादा है थोड़ा सा, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट जो कंट्री है वो है फ्रांस और सेकेंड जो कंट्री है वो है स्पेन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये जो हमारा जो चैनल है वो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा जो लेटेस्ट है रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट रहेगी वो आपको इजीली मिल पाएगी। तो बहुत टाइम से मेरे पास कॉल और मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर अभी कौन सी कंट्री में जो वीज़ा है वो लगाना सही रहेगा और प्रोसेसिंग टाइम किस में कम लग सकता है, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में पूरा एक वीडियो बना लेता हूँ और आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि आप कौन सी कंट्री में आप वीज़ा लगवा सकते हैं। तो ये जो अभी की जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसेंटली अभी जो वीज़ा जो अभी आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वो स्पेन से भी आ रहे हैं और फ्रांस से भी आ रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो टाइमिंग है जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कौन सी कंट्री कम ले रही है, तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे और इन दोनों कंट्री के अंदर जो डॉक्यूमेंट नीड्स है वो क्या क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो जो फ्रांस का जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करना रहता है और जो स्पेन का फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि ऑफलाइन जो फ्रांस का है वो आपको टोटली ऑनलाइन फॉर्म रहेगा और जो स्पेन का है वो आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं और पीडीएफ के अंदर भी आप एडिट करके जो कंप्यूटर जनरेटेड रहता है उसका प्रिंट आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पासपोर्ट। पासपोर्ट दोनों के अंदर ओरिजिनल आपको देना रहता है जिसकी जो वैलिडिटी जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं उससे 6 मंथ पहले तक का वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा फोटोग्राफ दोनों के अंदर नीड रहती है, तो आप दो दो फोटोग्राफ आपको देनी रहती है जिसके अंदर 80% फेस कवर के साथ वाइट बैकग्राउंड फोटो चाहिए होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं कवरिंग लेटर भी दोनों के अंदर देना रहता है और आपको इसके अंदर पूरा दिखाना रहता है कि आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपकी ट्रैवल डेट क्या है और आपके पासपोर्ट डिटेल वगैरह। कवरिंग लेटर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ तो आप उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट नीड है वो दोनों के अंदर है कि आपको होटल बुकिंग आपको दिखानी रहती है, जो कि फ्रांस के लिए आपको कंफर्म होटल बुकिंग दिखानी रहेगी और जो आपकी स्पेन के अंदर है स्पेन के अंदर भी आप कंफर्म बुकिंग दिखा सकते हैं। और उसके अंदर ये जरूरी है कि आपके जो होटल के जो नाम, होटल के जो मेल आईडी, होटल के जो फ़ोन नंबर और एड्रेस हो वो प्रॉपर हो और वो प्रॉपर ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी फिल होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी टू राइटनरी भी आपको दोनों के अंदर दिखाने रहती है। अब हम नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है फ्लाइट टिकट जो फ्रांस है फ्रांस के अंदर आपको कंफर्म दिखानी रहेगी और जो स्पेन है स्पेन के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी फ्लाइट बुक कर रहे हैं जब तक आपका वीज़ा नहीं आता उससे पहले आप फ्लाइट बुक नहीं करें, ये क्लियरली मेंशन है। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑक्यूपेशन प्रूफ दोनों के अंदर आपको दिखाना रहता है, फ्रांस में भी आपको दिखाना रहता है और स्पेन के अंदर भी दिखाना रहता है। उसके अलावा जो आपके बैंक स्टेटमेंट हो गए लास्ट 6 मंथ के जो बैंक स्टेटमेंट है वो दोनों के अंदर आपको दिखाने रहते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आईटीआर आपको फ्रांस के अंदर आपको 3 साल की दिखानी रहती है लेकिन स्पेन के अंदर आप 2 साल की भी आईटीआर दिखाते हैं तो वो सफिशियंट है। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस भी दोनों के अंदर मैंडेटरी है। आप जिस सर्टेन डेट तक आप रिटर्न कर रहे हैं तब तक का आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो वैलिड होना चाहिए। इसके अंदर इंश्योरेंस कितना क्या रहता है इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है पहले, तो आप वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको साथ में अपनी जो पासपोर्ट कॉपी होती है वो आपको देनी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स है, अगर आप स्पेन के अंदर अगर आप अपॉइंटमेंट्स लेते हैं तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपको अपॉइंटमेंट कब की मिलेगी क्या रहेगा, लेकिन जो फ्रांस है फ्रांस के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स है वो आपको फॉर्म फिल करने के बाद में ही आपका एक फाइल नंबर जनरेट होता है उसके बिहार पे आपको अपॉइंटमेंट चेक होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। एज ऑफ नाउ जो स्पेन है स्पेन के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है अभी 5 to 7 working days में अभी पासपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन जो फ्रांस के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अभी अप्रोक्स 7 to 10 working days अभी लग रहे हैं।
ये जो टाइमिंग है ये कम ज्यादा भी हो सकता है। आप जब फाइल आप सबमिट कर रहे हैं तो एक बार आप कंफर्म करके जरूर चलें। और इस बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।